अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आगाज़ लेते हैं सबसे पहले सरमायाकारी से, जिसमें 7 बिलियन डॉलर की कमी हो चुकी है, जबकि दोपहर की मार्केट में 1 ट्रिलियन तक ये क्रॉस कर चुकी थी, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों अभी भी, क्योंकि ये इतना फ़र्क तो खैर मिडनाइट की मार्केट में आ ही जाता है, क्योंकि जो ट्रेड का लेवल होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। अलबत्ता BTC डोमिनेंस में एक मरतबा फिर से कमी हुई है और BTC के प्राइस को अगर हम कंपेयर करें सुबह की मार्केट से, तो इसमें 700 डॉलर की फ्लैट कमी देखने को मिल रही है। और इथेरियम दोस्तों, जो आज की मार्केट में 1500 डॉलर का हाई लगाकर आ रहा है, हमारी इसमें एंट्री थी दोस्तों आज की 1465 की, तो इसने हमें 400 डॉलर के साथ 8 या 9 डॉलर की ट्रेड दी है, क्योंकि मैं हमेशा आपको फ़र्स्ट स्टेप बाइंग बताता हूं, ताकि अगर हम उसे अचीव ना कर सकें तो हम बाद में पछताएं ना। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं यहां पर आपको एक ज़रूरी नोटिफिकेशन और एक ज़रूरी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम यूज़ करके कोई भी शख्स आपको मैसेज करे तो आपने उसे ब्लॉक कर देना है। किसी भी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान या कोई भी ऐसी चीज़ वो आपको हमारा नाम यूज़ करके करे, क्योंकि हम किसी को भी मैसेज नहीं करते। लिहाजा अगर आप हमसे रابطہ करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन अदरवाइज़ हम किसी को भी मैसेज नहीं करते। सो दोस्तों, आगाज़ करते हैं आगे का यहाँ पर। और BNB के प्राइस में हम देख रहे हैं सुबह की नस्बत 5 डॉलर का एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, और BNB ने आज हाई लगाया है 261 का। उसके बाद अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये एक अच्छी पोजीशन में एंटर हो चुका था, लेकिन इथेरियम में थोड़ी सी कमी हुई तो इसके प्राइस में भी डाउनफॉल आया, लिहाजा हमारी जो एंट्री थी उसने हमें एक अच्छी ट्रेड दी है। दूसरी जानिब दोस्तों, सोलाना की बात करते हैं तो सोलाना में 2 डॉलर की कमी हुई है। अब आपने दोस्तों क्या करना है, बहुत ही ये अहम सेशन होगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कॉइनबेस को लेकर के मार्केट में कुछ न्यूज़ आ चुकी हैं, उसका पूरा मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर। और इससे पहले कि हम आगे की तरफ बढ़ें, मैं आपको बताता चलूं कि इस न्यूज़ को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट आ सकता है। और न्यूज़ की सच्चाई क्या है कॉइनबेस एक्सचेंज को लेकर के, उस पर हम आगे चल कर के बात करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ से एक ज़रा क्विक यहाँ पर एक फ्लैट स्टार्ट लेते हैं। तो हमारी जितनी भी बाइंग थी सुबह की, उसने हमें अच्छी ट्रेड दी सभी कॉइन्स ने, और अब इस वक्त सभी कॉइन्स डाउन हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक समझ लें कि मुश्तरका एक रिव्यू दे रहा हूँ। अब जैसे कि बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की, तो सुबह हमने आपको जब ये 90 पे रिकमेंड किया था तो ये हाई लगा कर आया है 96 सेंट का, दोबारा से ये हमारी बाइंग जोन में आया है। अब ये सारे कॉइन आपको किस तरह प्रॉफिट दे सकते हैं डिपेंड करेगा सुबह का दिन। कोशिश कीजिएगा, मेरी आप सब दोस्तों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि अपने पास USDT रखें, अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में हमें एक क्रैश देखने को मिल सकता है, चाहे हमें इसका 5% खदशा मौजूद दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉइनबेस एक्सचेंज को लेकर कुछ इन्फ्लुएंस मार्केट में ऐसा आ रहा है। और मार्केट इस वक्त दोस्तों ऐसी किसी भी नई न्यूज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, बड़ी मुश्किल से मार्केट 22 में एंटर हुई थी, लेकिन कॉइनबेस की आज खबर ने पूरी दुनिया में एक चर्चा मुकर्रर कर दी है ज़बरदस्त किस्म की, और जिसके मुंह में जो बात आ रही है वो किए जा रहा है, तो उस पर बात करेंगे आगे चल करके। यहाँ पर दोस्तों एवेक्स की बात करते हैं, तो इसमें भी हमें 1.30 सेंट की कमी दिखाई दे रही है। तकरीबन अब यहाँ पर सारी मार्केट डाउनफॉल का शिकार है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमारे सुबह के सारे सिग्नल अचीव हो चुके हैं, एक भी सिग्नल यहाँ पर हैंग नहीं है। और किस में आपने एंट्री लेनी है मैं बता देता हूँ, यूनिस्वैप क्रैश कर रहा है मैक्सिमम, अभी तक सभी कॉइन के अंदर हम देख रहे हैं इसमें 35 सेंट की कमी, चेन लिंक में 30 सेंट की, और नियर में मान लें कि 20 सेंट की कमी, मतलब सारे कॉइन्स तेज़ी से डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर XMR जो है इसमें 9 डॉलर की कमी हुई है, हमारी एंट्री इसमें एक 145 की एवल जो है वो भी पेंडिंग है। दूसरी जानिब APE 6 डॉलर को टच करने के बाद ये भी क्रैश कर रहा है, सो ऑल मार्केट गोइंग टू क्रैश। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि उस्मान भाई हमें आज कॉइन रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों, जो मैं आपको BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे जा करके अब कॉइन रिकमेंड करने वाला हूँ,
आपने उन्हें फॉलो करना है। यहाँ पर क्योंकि मार्केट गिर रही है तेज़ी से, माजर चाहता हूँ दोस्तों। और दूसरी जानेब अगर हम बात करें बड़े बड़े से बड़े स्ट्रोंगर कॉइन की, तो उनमें भी कमी आ रही है, जैसे कि AAABE इसमें $6 की कमी हुई है, यानी कि मार्केट अपना मोमेंटम तोड़ रही है। QNT जो अच्छे से बढ़ रहा था, इसमें $5 की कमी हुई है। मतलब हमें यहाँ पर फास्ट फॉरवर्डली मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में सिवाय कमी के और कुछ नहीं। और KCS 9.85 का हाई लगा कर आया है, इस वक्त 9.56 पे है। इसमें आपकी दोस्तों जो एंट्री बनती है वो होगी फिर से 9.10 9.20। और जी कैश जो है इसे अभी हम हाथ ना ही लगाएं तो बेहतर है। मार्केट के अकॉर्डिंग दोस्तों रूनी ने हमें 2.50 का हाई दिया था, इसमें आपकी दोबारा से एंट्री 2.20 पे हो सकती है, 2.20 पे। ई कैश में से दोस्तों आज हमारे काफ़ी दोस्तों ने अपना लॉस रिकवर करके इसमें से एग्जिट ले लिया होगा। और नियो दोस्तों $10 को हाथ लगा के आ रहा है, इसमें आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं 9.50 पे। और कुछ अहम कॉइन होंगे जो मैं आपको लास्ट में जा कर के रिकमेंड करूँगा, उससे आपने ज़रूर फॉलो करना है। वेव्स दोस्तों जो $6 पे जाते जाते वापस आ गया है, वेव्स में आपकी एंट्री होगी 5.15 की, 5.15 की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्केट जैसी भी हो आप इतने ज़्यादा अलर्ट हों कि आपसे कोई मौका हाथ से ना जाने पाए। दूसरी जानब KSM ने आज $63 का एक मुद्दत के बाद हाई लगाया है दोस्तों, और अब इसमें $4 की कमी हो चुकी है। और पहले इसका पंप जो था वो 66 तक भी गया, लेकिन वहाँ पर मार्केट खड़ी नहीं हो सकी। दूसरी जानब ZIL 04.010 का हाई लगाकर दोबारा से 03.96 में आया है। और पैनकेक स्वैप एक अच्छी पोजीशन में है। LDO की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो LDO के प्राइस जो हैं वो तकरीबन सुबह की निस्बत 45 सेंट गिर चुके हैं, और इसलिए कि क्योंकि मार्केट की जो खबरें हैं वो इस पर इम्पेक्ट हो रही हैं। अब जो 6 कॉइन में आपको BTC के कैंडल चार्ट पे जाकर बताने वाला हूँ, आपने उनको फॉलो करना है। प्लीज़ किसे देखकर? BTC की न्यूज़ को देखकर, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहले बढ़ते हैं कॉइन बेस की न्यूज़ की तरफ। सो दोस्तों यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये खबर जो है तफसील से मिल जाए। ये आज की खबर नहीं है, लेकिन फैली आज है कि कॉइन बेस ने इस वक्त जो एक्सचेंज है उसने अपना एफिलिएटेड जो प्रोग्राम था वो बंद कर दिया। अब बात यह है कि मैं यहाँ पर किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहता कि जिसकी जितनी मतलब समझ है वो उतनी ही बात करता है, कि कोई ये कह रहा है बिना खबर को समझे हुए कि जी कॉइन बेस क्रैश कर गया है और इसके काफ़ी मसले पैदा हो गए हैं और ये अब आपके साथ हाथ करके भागने लगा है। दोस्तों देखें, मेरी बात सुने, अगर ये हाथ करके भाग भी जाता है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये क्रिप्टो का एक अजीब सा रूल है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन कॉइन बेस अगर वाकई ही यहाँ पर स्कैम कर जाता है तो याद रखिएगा क्रिप्टो को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमें मेन चीज़ देखने को मिल रही है कि कॉइन बेस के ओनर ने जो ट्वीट किया है वो ये है कि हम अपना एफिलिएटिंग प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। अच्छा, एफिलिएटिंग प्रोग्राम आपको पता ही होता है कि जैसे रेफरल सिस्टम होता है कि आप किसी को इसके साथ इनका रेफरल किसी को सेंड करेंगे तो आप जब तक वो ट्रेड करता रहेगा आपको एक प्रॉफिट मिलती रहेगी। अच्छा, अब ये एफिलिएटिंग प्रोग्राम ये होता है जी कि इनके साथ जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो इनकी मार्केटिंग करते हैं और जितनी मार्केटिंग होती है, जितने रेफरल उनके नाम से बनते हैं, उनको एक फ़ायदा पहुँचता है। लिहाजा उन्होंने ये क्यों बंद किया है? क्रैकन के ओनर ने एक ट्वीट आगे से ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया है कि जी आप ऐसी बातें करके कॉइन बेस को मज़ीद डिस्टर्ब ना करें, उनका इस वक्त जो पैसे का निज़ाम है वो, यानी कि समझ लें कि उनके लोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि हम सर्दियों तक, ये जो अब आने वाली हैं, हम अपने सिस्टम को इतना अपग्रेड कर लें कि हम सर्दियों में जाकर दिसंबर में दोबारा से ये जो सस्पेंडेड एफिलिएटेड प्रोग्राम है इसे बहाल कर देंगे। अब इसे इंग्लिश में भी डिस्कस कर लेते हैं कि लिक्विडिटी क्राइसिस रूमर्स आर द सर्कुलेटिंग इन द क्रिप्टो स्पेस ओवर कॉइन बेस डिसीजंस टू सस्पेंड इट्स एफिलिएट प्रोग्राम। दोस्तों उनकी लिक्विडिटी के जो क्राइसिस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब उससे रूमर निकल रहे हैं, और रूमर्स में से एक रूमर ये है कि जी ये ख़त्म होने वाली है, ये $600 बिलियन की पता नहीं कर्जई हो गई है। मतलब अजीबोगरीब रकमें भी बताई जा रही हैं जो समझ से बाहर हैं, क्योंकि टोटल क्रिप्टो मार्केट जो है वो खुद इस वक्त $1 ट्रिलियन की है। तो ये जिसके मुंह में जो बात आ रही है, सो डिपॉजिट एंड मेक योर फर्स्ट ट्रेड टू द 3000 रिवार्ड गेट, जो जो कुछ भी उनके प्रोमो थे वो सारे उन्होंने
फिलहाल बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं जी कि जैसे वो भागने लगे हैं। सो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ख़तरा रहेगा कि कोई भी न्यूज़ मार्केट का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, मेरा भी यकीन है कि ये मार्केट को न्यूज़ जो कि है डिस्टर्ब कर सकती है, और कल का दिन बड़ा अहम होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अकलमंदी से ट्रेड लें, प्लीज़ थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और इसका इम्पैक्ट अगर आना होगा तो कल सुबह की मार्केट में पाकिस्तान के 9 से 10 बजे तक इसका मार्केट में इम्पैक्ट आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ रद्दी हो गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और Ethereum के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सुबह की मार्केट में इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या थी। सपोर्ट थी 22,100 और रेजिस्टेंस थी 22,337, जो दोस्तों इतनी ज़्यादा साजगार रही कि मार्केट को 22,800 तक नहीं लेके जा सकी। 800 तक भी गई तो 850, जिसका लेवल मैंने आपको बताया था, जिसके बाद मार्केट ने $600 का पंप लगाना था, वो भी नहीं हुआ, लिहाजा क्रैश आया है मार्केट में। मार्केट की 22,337 में से 400 अगर हम दोस्तों निकाल देते हैं तो मार्केट को 21,900 तक आके स्टे करना चाहिए था। इस वक्त मार्केट एक्स्ट्रा क्रैश कर गई है। $700 का क्रैश कोई बड़ा क्रैश नहीं है, लेकिन ये गो थ्रू कर रही थी, प्लस हो रही थी, प्लस करते करते ये डाउनफॉल का शिकार हो गई है, तो ये एक बड़ा ही साइन है। उसके ऊपर अभी तक, वैसे ये मैं आपको बता दूं कि Coinbase की जो न्यूज़ है उसका ये इम्पैक्ट नहीं है, उसका इम्पैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि सुबह की मार्केट में आ सकता है। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आखिरी कैंडल जो है बुलिश इंगल्फिंग है, यहाँ पर वो स्टॉपर लग चुका है उसको। और अब यहाँ पर आकर बात करते हैं 4 hour की कैंडल चार्ट के यहाँ पर। सो दोस्तों ये मिला जुला रुझान रहा, मार्केट टोटली स्ट्रक दिखाई दी है हमें, और यहाँ पर अभी आखिरी बड़ा क्रैश जो है वो BTC को काफ़ी नीचे लेकर आ गया है। तो दोस्तों इस वक्त जो बिटकॉइन है वो अपनी तमाम स्ट्रोंगर जोन से भी निकल चुका है और वीकर जोन से भी नीचे आ चुका है। जाहिर बात है जो हमें दिखाई देगा हम उसके ऊपर बात करेंगे और आपको मज़ीद आगाही देंगे। ध्यान में रखिएगा कि अब मार्केट मज़ीद क्रैश कहाँ से कंसीडर करेगी। इसकी स्ट्रोंगर जोन है दोस्तों हर सूरत BTC की मार्केट 21,850 पे रजिस्ट करे सुबह तक। सुबह तक मार्केट को 21,850 पे रजिस्ट करना चाहिए, नहीं तो ये क्रैश कर जाएगी। क्रैश करेगी अब की बार ये $900 का, $900 का क्रैश कर सकती है। ज़ेन में रखिएगा किस शर्त पे, कि सुबह अगर 21,850 से ये अपने वर्किंग डे का आगाज़ ना करे तो। और क्योंकि जहाँ पे अभी मार्केट खड़ी है 21,646 पर, 21,646 पे, यहाँ से मार्केट मुसलसल 8, 15, 25 डॉलर की शक्ल में डाउन हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्राइस 21,646 देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर 21,610 पे, बल्कि 606 पे तेज़ी से प्राइस गिर रही है। ये लाइव आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। सो सुबह की मार्केट दिन चढ़ता है तो मार्केट अगर 21,300 तक आ गई तो मैंने आपसे जो कहा है वो क्रैश कंफर्म हो जाएगा 900 का। सो आपने क्रैश की सूरत में, क्योंकि जब ये क्रैश करेगा तो मार्केट बाउंसिंग बैक ज़रूर करेगी, ठीक है, 900 के क्रैश के बाद मार्केट 500 का पंप कर सकती है। ये क्रैश के साथ कह रहा हूँ, दोनों सूरतें मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोनों सूरतों में आपने किस कॉइन में एंट्री लेनी है, टॉप पे होगा आज यूनिस्वैप, क्योंकि यूनिस्वैप क्रैश कर रहा है तो सुबह तक ये आपको एक अच्छी पोजीशन में मिल सकता है। डॉट है, यूनिस्वैप, डॉट, एवेक्स और सोलाना। यहाँ पर मैंने दोस्तों QNT और AAV को इसीलिए डिसकनेक्ट कर दिया है कि वो बड़ी प्राइस के कॉइन हैं, उनमें अगर अल्लाह ना करे क्रैश आएगा तो बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। तो सो हम कम प्राइस के कॉइन में ट्रेड करेंगे। ये चारों कॉइन मैंने आपको नॉर्मल प्राइस के रिकमेंड किए हैं। अब ज़ेन में एक बात रखिएगा प्लीज़, कि आपने इसके दोनों लेवल फॉलो करके ट्रेड करनी है सुबह 6 बजे के बाद। अब बढ़ते हैं Ethereum के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं Ethereum के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और Ethereum का दोस्तों जो सपोर्ट लेवल था सुबह वो था $1,329। अच्छा, सपोर्ट इसका बेहतर हुआ है तकरीबन $9 और रेजिस्टेंस थी 1480 और उसके मुकाबले में सिर्फ $7 की कमी हुई है। तो कमी किधर हुई है दोस्तों? कमी इधर हुई है कि Ethereum 1520 का हाई लगाकर जो नीचे आया है तो हमें तकलीफ़ हो रही है जी कि ये $47 क्रैश क्यों कर गया है। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़े की बात मैं दोस्तों आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मार्केट में सुबह हमने एंट्री ली 14
74 पे $400 की, और मार्केट ने पंप लगाया 1520 का, ये टोटल बनता है दोस्तों $47। इसका वन थर्ड हम निकालते हैं तो ये तकरीबन बनते हैं $15 बनते हैं। तो आपको $400 के साथ $15 की अर्निंग मिल गई करने को। और जिन्होंने फुल कॉइन खरीदा हुआ था एथेरियम का, जो अपनी सोच में आज़ाद हैं, उनको ये प्रॉफिट पूरी शक्ल में मिल गई 45-46 की। अब देखा जाए तो जो एथेरियम BTC को लेकर चल रहा था, पूरी मार्केट को लेकर चल रहा था, वो अभी तक इतना बुरा क्रैश नहीं हुआ। मेरे नज़दीक ये वहीं पे खड़ा है जहां पे सुबह की मार्केट बता, उसमें सिर्फ $60 की कमी हुई है। तो अब बढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ। ये बड़ा अहम सेशन होगा दोस्तों, प्लीज़ इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर अप ट्रेंड था, दरमियान में एक कैंडल बनी क्रैश की, स्प्रिंग कैंडल, लेकिन वो ज़्यादातर वेट नहीं कर सकी, फिर से बुलिश कैंडल बन गई। तो एथेरियम इस वक्त फिर से BTC की निस्बत बहुत डिफरेंट हमें इम्प्रेशन दे रहा है ट्रेड का। ऊपर देखते हैं तो 1473 है, और यहाँ पर इसकी मार्केट BTC से टोटल मुनफरिद चल रही है। ये हमें 1477 प्लस दिखा रहा है $4, जबकि BTC का दोनों का आपस में कनेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। अब बढ़ते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, सुबह की मार्केट को अगर किसी अच्छी पोजीशन में कोई लेकर गया तो वो फिर इथेरियम होगा। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया इथेरियम में पैसा लगाने से बाज नहीं आएगी 100%, क्योंकि वो मरता क्या ना करता वाली मिसाल है कि पोजीशन ही इस तरह इतनी टाइट है कि कॉइन ही ये अकेला पंप कर रहा है। तो इथेरियम ने जो अपनी पोजीशन सारी खो दी हुई थी वो उसने एक मरतबा कायम कर ली है, और इथेरियम के ओनर्स जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कॉइन अब इन दिनों मज़ीद बुरी तरह क्रैश करे। अगर ऐसा होता है तो मैं उनकी सोच पे दोस्तों इख्तियार नहीं रखता। अब ये अपनी स्ट्रोंगर जोन पे बिल्कुल अपनी पीक पे खड़ा है, 1474 मतलब 1474। सुबह का आगाज़ ये इसी से करता है तो दोस्तों लाजम इथेरियम की मार्केट $100 का पंप लगाएगी। मतलब 1474 है तो 1574 पे मार्केट जा सकती है। अब आपने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है, एक एंट्री $400 की आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये रिस्की होगी, ये मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत रिस्क होगा। $400 की आपकी ये एंट्री हो गई 1475 की, और आप चाहें तो जैसे मार्केट इसकी 1540-50 पे जाए आप निकल सकते हैं। अलबत्ता 100 का पंप एक ही शर्त पे आएगा कि सुबह की मार्केट तक एथेरियम अपना आगाज़ सुबह इसी प्राइस से करता है। और अगर हमारी वीडियो के 2 घंटे बाद इसके प्राइस में आपको सिर्फ $30 की भी कमी देखने को मिल गई तो इसकी सारी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1445 पे, और क्रैश कंसीडर इसका हो जाएगा शुरू 1430 पर। 1430 पे इथेरियम 100% क्रैश होना शुरू हो जाएगा, और वो क्रैश दोस्तों तकरीबन $60 मजीद का हो सकता है। सो यहाँ पर आपने ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी है, और इन्हें फॉलो करने के बाद आपने ENS और ETC में ट्रेड करनी है, क्योंकि दोनों के प्राइस में आज कमी हुई है। तो सुबह की मार्केट में आपको इथेरियम पंप होता हुआ दिखाई दे तो आप इनमें एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम यहाँ से आपसे ऑफ हों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स, प्लीज़, हम आपको हर वीडियो में डिस्क्लेमर भी देते हैं, पेज के ऊपर भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, हर तरह का, कोई भी शख्स आपसे हमारे प्लेटफॉर्म का नाम यूज़ करके रابطہ करे और आपसे किसी भी किस्म का कोई प्लान शेयर करे, आपने उसे फ़ौरन ब्लॉक कर देना है फ़ौरन, क्योंकि हम किसी को भी, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी शख्स आपको मैसेज नहीं करता, मैसेज करने में पहल नहीं की जाती। सो प्लीज़ अपने सरमाए की हिफाजत करें जितना हो सकता है, और अपने सरमाए को लोगों के हाथों में मत थमाएं। हम आपको यहाँ पर ट्रेड के तरीके बताते हैं, आपके पैसों से ट्रेड नहीं करते किसी भी सूरत। सो मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि स्टे सेफ। आपको जिसने भी मैसेज किया, जिसने भी ग्रुप में एंटर होने के बाद, आपने उसे ब्लॉक कर देना है। इजाज़त चाहता हूँ, सुबह तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।